दीप के रील पे लाइक पे लाइक, लाइक पे लाइक, लाइक पे लाइक आता जा रहा है। बेचारा खड़ा हुआ है, 15-20 मिनट तो हो गए खड़ा हुआ है, पर बैठा नहीं अभी तक। कि वहीं बैठ जाएगा तो आप शगुन ना हो जाए और लाइक आना कम ना हो जाए। तो इनका साला 10 मिनट के बरसात हो जाए, पानी इतना भर जाता है, चाचा स्विमिंग पूल, चाचा स्विमिंग पूल, नशा तेरी अखा में चलावे मैनूं। बस बस यार, आज के लिए इतना कंटेंट काफी। मेरे दर्शक आज ही खुश हो जाएंगे तो भाई कल का व्लॉग कैसे देखेंगे भाई, है कि नहीं? सही ना, मूड इसलिए खराब हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो गया भाई। मैंने इंस्टाग्राम पे रील शेयर की है तो रील में पता नहीं कौन सा फिल्टर अपने आप ही लग गया, घट 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 ब्लैक ब्लैक हो रहा। ये क्या हो गया, ये शीनू क्या कर दिया तुम? क्या किया वहाँ पर तुमने? क्या किया है तो क्या हुआ, हो गया क्या वहाँ? हो गया तो यार, वो किसका फिनाइल का? फिनाइल नहीं कह सकते, ये है टाइल क्लीनर। अच्छा वही हम कहें, अचानक से देखो इतना गिर गया। ये हुई है ये बॉटल, यहाँ बॉटल वहाँ। चूही ने लगता, चूही कह रहे हो क्योंकि चूहा 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 के चूही है वो तो जेंडर अब जेंडर दी भैया पग बांधते हुए तैयार होते हुए रील्स के लिए और मेरे ब्लॉग के लिए। ये देखो आधी रह गई, आधी हो गई। देखो पूरी बॉटल थी, भरी थी, आधी हो गई। चूहा ने काम तमाम कर दिया। तो दीप को भूख लग गई है और अब ये खाने जा रहा है दाल। मैं सुबह से उठाऊं, सुबह 10:30 बजे उठाऊं, ये बंदा उठा है 1 बजे जानते हैं भाई, पहचानते हैं बिल्कुल, जानते हैं कि मैं रात भर मेहनत करता हूँ तो थोड़ा लेट उठता हूँ। कौन है, कितने बजे उठता है, कितने बजे नहीं उठते, मैं रूटीन जानते हैं वो, क्यों ना जानते हो ना। तो अभी ये लोग जा रहे हैं, ये दीप जा रहा है दाल चावल और भुजिया, आलू की भुजिया बन गई दीप के लिए स्पेशल। चलो अच्छी बात है, लग रही है बहुत तेज, क्योंकि मैं सुबह नाश्ता कर चुका हूँ 11:30 बजे। मैंने अभी जस्ट किया है तो मुझे भूख नहीं लग रही है। हाँ तो क्या कर रही हो अभी? दाल गरम की है ना, दाल गरम। ये भैया माइक्रोवेव है ना, तो भाई हम लोग क्या आता है ऐसे तवे में उसमें पतीले में गर्म हो जाता है, पतीले में क्या, माइक्रोवेव है तो हर चीज माइक्रोवेव में डाल देते हैं, गर्म हो जाता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो टाइम की सेविंग हो जाती, टाइम की सेविंग हो जाती है, प्लस मेहनत की कमी, मेहनत उतनी। अच्छा मेहनत उतनी है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो सुबह के नहीं, शाम हो रही है, काफी शाम हो गई, 4 बज चुके हैं करीब, 4:30 बज रहे हैं करीब, 3:42 चार भाई, मतलब कुल मिला के 4 बज गए। तो मैं तो एकदम तैयार होंगे, देख ही रहे हो भाई। तो दीप भी तैयार है, दीप तो जल्दी उठा था, अभी मैंने वीडियो में बताया। तो अभी हम लोग को ऐसे ही जा रहे हैं, थोड़ा टहलने जा रहे हैं, बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं मौसम, बहुत अच्छा है मौसम, तो कसम से इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है, चलेगी मतलब कहीं बाहर ही रहने मन कर रहा, अंदर रहने मन नहीं कर रहा। मैं तब से उठा हूं, मैं तब से पार्क, यहां सामने हमारे पार्क आपको पता ही होगा, और मैं तब से पार्क में ही हूं। ये बंदा अभी उठा हो गया, इसको 2 घंटा हो गया उठे हुए, पर तब से तैयार हो रहा है। देखो भाई, देखो भाई, एसी की हवा अलग होती है, वो बाहर की जो नेचुरल हवा होती है ना वो अलग ही होती है। अच्छा तो वो हम लोग को फील करने जा रहा हूँ अभी। तो पहले अभी खाना खा ले, उसके बाद मुझे भूख नहीं लगी है, मैं भी कुछ ऊटपटांग चीज खा लूँ, ऐसे होता है ना थोड़ा स्नैक्स, जानते हो, उसके लिए अलग जगह होती है, अलग यहाँ जगह होती है। तो वो मैं खा लूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं बाहर, देखते हैं, और बस देखते रहो मेरा व्लॉग यार। तुम लोग यार लाइक किया करो यार, सब्सक्राइब तो मैं लास्ट में बोलता हूँ यार, मैं लाइक किया करो यार, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते रहा करो यार, बस इतना सपोर्ट देते रहो भाई, तो भाई जरूर आगे जाएगा। ओके अहमद आ गई, अहमद कहाँ गए थे, कहाँ गई थी सुबह से, कहाँ गई थी? अच्छा आधार कार्ड कहाँ गई थी? अभी किसका, इसका रहमत का आधार कार्ड बनने गया था, 2 साल की 2.5 साल की हो गई है, 1:45 दो साल की हो गई, सितंबर में 2 साल की हो जाएगी, 2 साल की पूरी हो गई है। तो इसका आधार कार्ड बनवाने गए थे, तो आधार कार्ड बनने गया था, तो कितना टाइम लग गया, सुबह से कितने बजे गए आप लोग? हैं 11:30 बजे निकले हैं और 4:20 होने वाला है, 4:20 मिनट पहुंचे, इतना लेट लगा दिए काफी। चलो फाइनली आ गई, अच्छी बात है।
रहमत जी क्या करने गए थे, क्या करने गए थे रहमत, क्या करने गए थे? दीप के रील पे लाइक पे लाइक, लाइक पे लाइक, लाइक पे लाइक आता जा रहा है। बेचारा खड़ा हुआ है, 15-20 मिनट तो हो गए खड़ा हुआ है, पर बैठा नहीं अभी तक। वही बैठ जाएगा तो आप शगुन ना हो जाए और लाइक आना कम ना हो जाए। तो आवाज क्या मीठी आवाज है इसकी, टनन टनन टनन। रील पे व्यू लाइक पे लाइक साला। उसी समय मैंने भी अपना डाला है, लेकिन साला 11 लाइक आए अभी तक। तो आपको टाइम कैसे लग गया इतना? 11 बजे गई हुई है और शाम के 4:20 पे आप घर पे लौट रही हो, अच्छी बात है। जल्दी आप बताइए। मैं जान के नहीं टाइम लगाई थी, इसके आधार कार्ड के लिए गई थी मैं। तो फिर वहाँ पे सिर्फ फोटो कॉपी देखे है, मतलब डॉक्यूमेंट्स देखे हमारे। उसके बाद अंगूठा जहाँ लगाना था, फिंगरप्रिंट जहाँ लग रहे थे, वो थी समराला चौक की जगह, 32 सेक्टर में। अच्छा। तो हम लोग को दुकान के पास आना था। हाँ। तो दुकान पता ही है, 1.5 घंटे का 1 घंटे का रास्ता ही। और बारिश करके वहाँ पानी बहुत भरा हुआ था, जिसके करके बहुत ज्यादा ही लेट। तो आप ये जान लो कि पंजाब में नालियों की कमी है, तो सरकार को नाली पहले बनाए उसके बाद कोई काम करे, क्योंकि नाली नहीं रहेगी तो पानी सड़क पे आते रहेंगे। हमारे यूपी में तो नालियां हैं बराबर, कोई दिक्कत नहीं, पानी आता है नाली के अंदर चला जाता है। बहुत रेयर केस में सड़क पे पानी आता है। इनका साला 10 मिनट के बरसात हो जाए, पानी इतना भर जाता है, चाचा स्विमिंग पूल रील पे रील आती जा रही है पंजाब के। तो भाई नाली वाली बनवाओ, ये इनको नाई करनी थी नाली में। ये है खुंखार, यही पैंपर्स अपने, पैंपर्स एक्सट्रीम प्रीमियम क्वालिटी, खा रही है, पहनना है बाबू, खाना नहीं है, प्रीमियम प्रो। तो इसी कारण जैसे आप देख रहे हो काफी लेट हो गया है, पर अभी फिर जाना है इनको। तो फिर कहाँ जाना है आपको? अब हमें अपने कोर्ट में रजिस्टर करानी है शादी, कोर्ट में इनको रजिस्टर करानी है शादी की। आखिरकार इनकी शादी हो गई है, हम लोग नजर में तो शादी हो गई है रिलेटिव्स में, तीन साल पहले शादी हो गई थी, तो मतलब रिलेटिव के मतलब नजर में, लेकिन अब कानून की नजर में कि पक्की शादी हुई है कि नहीं हुई है, ये जांच पड़ताल आज होगी। इनकी आईडी प्रूफ बन जाएगी कि हाँ शादी हो गई, आईडी प्रूफ है, मतलब सबमिट करेंगे तो एकदम स्टैंप लग जाएगा, धप्पा कि शादी हो गई है, शादी हो गई है। अबे साले, ये है मेन मुद्दा। तो कोई बात नहीं, बाकी शीनू को आज ड्राइविंग क्लासेस के लिए जाना है, और बहुत देर से ये भी खड़ी हुई है, मतलब परेशान है, उछल रही है कि मतलब कि ड्राइवर कब आएगा। पर तुम्हारे फोन में नंबर है, अभी मैं अपने सब्सक्राइबर से बात कर रहा हूँ, मैं बिना रुकावट के उनको खेद नहीं पहुँचाना चाहता, मैं उनको भाभी के फोन में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनसे बात कर लो। ये इसके ड्राइवर आ रहा है, इसने ड्राइविंग करनी है, तो सीखनी है ड्राइविंग, तो इसीलिए आज इनका पहले जाने दो, पहले आज आए ना तो बेचारी रो रो के परेशान हो जाए। हाँ, तो आज आएगा ड्राइवर, तो हम लोग को भी जाना है, सोच रहे हम भी चले जाएंगे, खाली बैठे रहेंगे, तो हमने सोचा कि चलो हम भी चले जाएंगे ड्राइविंग, इसको सिखा देंगे, हम भी सीख लेंगे। मैंने सीखी है, 15 दिन सीखी थी, 2 महीने पहले, थोड़ा एक दिन बचा हुआ है, उसको कॉल मैंने मिलाया कि भैया ड्राइविंग सिखाओ नहीं सिखाओगे, मेरा पैसा जमा है आपके पास। उसने कहा भैया अभी लेट हो गया है, आपको मैं सिखा दूंगा, तो वो भी सिखाया नहीं, वो भी मुझे सीखनी है अपनी ड्राइविंग। बाकी शीनू सीख रही है, तो शीनू के साथ पीछे मैं बैठ जाऊंगा, थोड़ा बहुत जो भूला वो भी याद हो जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो चलते हैं, अभी देखते रहो मेरा व्लॉग, ऐसे ही हम आपको हंसाते रहेंगे। ड्राइवर सब आ चुके हैं, कहाँ गया ये मैं आगे दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी देख रहे हो, कौन से किसे सीख रहे हो? जगजीत ड्राइविंग जहाँ से मैंने सीखा है, भाभी ने सीखा है वहीं से काफ़ी मेरे, लेकिन मेरा एक दिन रहता है, वो मैं कॉल करके कर लूँगा, मुझे करना है। बाकी दीप भी चल रहा है साथ में, हम लोग पीछे बैठे हैं, ऐसे चल रहा है, कोई खाली कुछ काम धंधा तो है नहीं, हम लोग को जानते ही यार। आवारा मैं हूँ, मैं इनके साथ ही हूँ। आवारा हूँ तुम, आवारा हूँ तुम, गर्दिश में बीच आसमान का तारा हूँ। हम लोग रील्स वगैरह बहुत देखते हैं, जानते ही हो, यहाँ याद ही आया था। तेरा नशा तेरी अखा विच रवे मैनू, मैं वेखिया। बस बस यार, आज के लिए इतना कंटेंट काफी, मेरे दर्शक आज ही खुश रहेंगे, तो भाई कल का व्लॉग कैसे देखेंगे भाई, है कि नहीं, सही ना? अबे साले, बस मैं जानता हूँ आप मेरे दीवाने हो, जानता है बहुत अच्छे से। हाँ, तो अभी हम चलते हैं वैसे कार पे। अच्छा, तो हम भी आ चुके हैं, यही ड्राइवर थे।
तो फाइनली शीनू का आज पहला दिन था, उसने ड्राइविंग सीख ली है। वैसे मतलब ड्राइविंग सीख के लिए ड्राइविंग सीख रही है, मतलब पहला दिन था आज तो कंप्लीट हो गया। ये वही ड्राइवर है जिससे मैंने सीखा था और जो मेरा एक दिन रह गया, और भाभी ने भी सीखा था तो भाभी का भी दो दिन रह गया। तो इससे मैंने कहा कि भैया जो एक दिन मेरा बचा है वो सिखा दो, और भाभी का जो दो दिन बचा है वो भी सिखा दो, कम्प्लीट करो, इसी में लबेड़ दो। 8 किलोमीटर चला सिखाता है एक दिन का, 8 किलोमीटर तो 15 दिन सिखाता है, तो एक दिन का 8 किलोमीटर है। तो ऐसे मेरा बचा हुआ एक दिन का मेरा बचा है, इसका मतलब 8 किलोमीटर मेरा बचा हुआ है। भाभी का 2 दिन बचा है, इसका मतलब 16 किलोमीटर 16 और 8 24 किलोमीटर होते हैं टोटल मेरा और भाभी को मिला के। तो हमने सिखाया कि 12 किलोमीटर ले जाओ, 12 किलोमीटर ले आओ, 24 किलोमीटर कम्प्लीट कर दो हमारा भाभी मिला के, हम एक दिन में निपट जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो यही कह रहे थे। बाकी शीनू का आज पहला दिन था, ख़त्म हो गया, बाकी इसके 14 दिन बाकी हैं, तो इसके साथ जाना ही पड़ेगा। लेडीज़ है तो एक होता ना कि बॉडी गार्ड टाइप में, एक लोग को जाना ही पड़ेगा, चाहे मैं चला जाऊंगा चाहे दी चला जाएगा, ऐसा चले जाएंगे। तो बाकी अभी हम लोग घर आ गए वापस, तो चलते हैं। तो दीप भाई स्टार्ट कर रहे हैं लटकना। इनकी हाइट थोड़ी हमसे छोटी है, इनको लगता है कि मेरी हाइट बहुत छोटी है, तो थोड़ा ये सोच रहे हैं कि हाइट में बढ़ाऊं। इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं है, देख लिया कि यार थोड़ा इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखी कि लटकने से हाइट बढ़ती है, इनको लगता है कि 21 साल तक, ये तो सबको पता है लटकने से हाइट बढ़ती है नहीं, बूस्ट बहुत पीता है। बाकी इसने मुझे बोलने दो, अपने ससुराल से बात करने दो यार, क्या कर रहे हो भाई। देखो ये इसका क्या हुआ था कि एक सोच रहा था कि यूट्यूब पे बताया गया कि 21 साल तक हाइट बढ़ती है, तो ये लटकने से, तो यही लटकने की कोशिश कर रहा है 21 साल तक। अभी कितने साल के हो भाई? 19 साल का हो गया, तो कह रहा अभी 2 साल बाकी, 2 साल में मैं इतना लटकूंगा कि मैं तुमसे भी लंबा हो जाऊंगा। मैं कहा भाई बन जाओ, मैं कहा हो जाओ लंबे, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, मेरी 21 साल उम्र हो गई, मुझे जितना लंबा चाहिए था इतनी लंबाई है। ये आपको गलत सोर्स से गलत चीज बता रहा है, मैं बताऊं? गलत सोर्स नहीं कह सकते यार भाई, अश्मीत सिंह व्लॉग्स बनाते हैं भाई, और भाई वो ये गलत सोर्स नहीं है, है कि नहीं भाई? गलत सोर्स नहीं है, सोर्स सही है लेकिन गलत बात की हमने, ये कह सकते हैं। गलत बात इन्होंने की है, मैं अभी तक नहीं किया, तब यहाँ पे आया हूँ, पार्क बताओ, घर के सामने ही पार्क है, हाँ। सामने लटका हुआ, मैं चलो यूज करे यार, क्या करे घर बैठ के, यही कर ले साहब। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मेरे व्लॉग में आप लोग देख लो, दीप सिंह नाम है, और इसको आपको आगे देखने का मौका मिलेगा। 20-25 दिन यहीं पर है ना, तो 20-25 दिन बाद इसका क्लास स्टार्ट होगी, अब जैसे जानते हो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये मेरे व्लॉग्स में आएगा 20-25 दिन रेगुलर। तो 20-25 दिन आपको मैं रोज दिखूंगा, मतलब और अब तो मैंने ये भी कह दिया है सबको कि मैं अब से मैं रोज वीडियो डालूंगा, रोज। मैं पहले एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालता था, अब मैंने सोच लिया है, मैंने प्रण ले लिया है कि मैं रोज वीडियो डालूंगा, रोज आपको एंटरटेन करूंगा, ऐसे ही आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी मेहनत करके बहुत अच्छा लगता है। मैं एक दिन थोड़ा शांत हो जाता हूँ यार, एक दिन नहीं बनाता हूँ व्लॉग, मैं सोचता एक दिन का टाइम है ये है, पर मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं रोज वीडियो डालूंगा, मैं और मेहनत करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। मतलब कोई इसका इजी वे नहीं है कि यार बिना मेहनत की आप सक्सेस हो, ऐसा नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई भी आप काम करो लाइफ में, चाहे शॉप खोलो या कोई भी काम करो, या तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी आप काम करो उसमें मेहनत मांगती है, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है। चाहे स्मार्ट वर्क कह लो चाहे हार्ड वर्क कह लो, स्मार्ट वर्क में भी वर्क आता है, बिना वर्क किए उसमें भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। और ये नहीं कि हर जगह स्मार्ट वर्क ही चलता है, ऐसी बात नहीं, हर जगह स्मार्ट वर्क भी नहीं चलता है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क करो पर स्मार्ट तरीके से, मेरे कहने मतलब ये है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो मैं हर रोज वीडियो डालूंगा, ऐसे ही आपको एंटरटेन करूंगा। बाकी रहमत आ गई है, रहमत भी आ गई है पार्क। रहमत आ गई हो, ये क्या है, ये डंडी क्यों पकड़ी हुई, डंडी में क्या था? क्या था थी? फ्लावर है, पता नहीं क्या है, रहमत बोलो। रहमत चलो। अच्छा मैं कौन हूँ? रहमत मैं कौन हूँ? रहमत कौन है ये? रहमत कौन सा? कौन सा था? कौन सा? कौन सा? ईप चाचा, ईप चाचा। रहमत बोल दो, रहमत बोल दो, ईप चाचा बोल दो। बाबेजा बाबा आते, इसको बाबे के नाम से बहुत डराते हैं ना, कि बाबा आ गया सो जाओ, सोती नहीं दो बजे तक, तो कहते हैं बाबा आ गया सो जाओ। तो अभी कह रही है बाबे जा। बोलो रहमत कर दो, बाबे जा, बाबे जा, जा। ओए ध्यान से मजा आया। पहले बोलो हाँ, एक्सपीरियंस बताओ यार अपनी वीडियो में, यार इतना मेहनत कर रहे हैं। अहमद बच के देखो यार, धागा पड़ा हुआ है।
रस्सी फंस गई इसके पैर में, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चे यहाँ पे पार्क है ना, यहाँ पतंग उड़ाते हैं। ये देखिए पतंग, एक दो, उसी में रस्सी फंस जा रही है। पतंग है ना, पतंग उड़ाते हैं ना, देखो ये रस्सी उसी की है, देखो पतंग की है। बार बार मेरी रस्सी खुद फंस जाती है बेचारी, गिर इस जगह पे इसके दो बार फंस चुकी है, इस बार नमन के दो बार फंस चुकी है। रहमत गिर जाती हूँ ना बाबू, गिर जाती हूँ ना। अच्छा मैं कौन हूँ? कौन हो? अब नहीं, वीडियो में ये नहीं बोलती है, वैसे इतना बोलती है, इतना बोलती है, नहीं जानोगे। पर मैं करके रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इसकी मैं नौटंकी रोटी रिकॉर्ड करता रहता हूँ। तो बहुत नौटंकी करती, बहुत ज्यादा जान जाती कैमरा है ना, बस जैसे पता लिया कैमरा ऑन है बस चुप चुप हो जाए। दीप ताता करती है, सबको दिखाना चाहती है कि मैं बहुत शांत हूँ, ऐसा नहीं। मैं आपको इसकी सारी लेते हैं, आपको व्लॉग्स के थ्रू हम लोग दिखाते रहेंगे। अभी 20 दिन तो आराम से दिखेगा। देखो ये देखो, ये शैतान दांत पीसती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रहमत ने अपने दोनों शूज उतार दिए हैं, मतलब दूसरा उतार रही है ये। स्मित द व्लॉगर अभी है नहीं, आ रहे हैं वो। और चुप खोलो, नहीं खोलना, नहीं खोलना। ओ खुल गया, खुल गया। अब इसकी शैतानी शुरू। बस 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 बस। अभी हम लोग आराम करने के लिए बैठे हुए हैं, बाकी मेरा मूड इसलिए खराब हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो गया भाई। मैंने इंस्टाग्राम पे रील शेयर की है तो रील में पता नहीं कौन सा फिल्टर अपने आप ही लग गया, घट 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 ब्लैक ब्लैक हो रहा है। मतलब मैं वीडियो में बहुत अच्छा वीडियो था, और क्या बताया, वीडियो अपलोडेड हो गई और उसका मतलब ऐसा हो गया कि वीडियो बेकार हो गई। मतलब ब्लैक ब्लैक आता नहीं है, ब्लैक ब्लैक आता रहता था, मतलब अंधेरा छाता रहता है, ऐसे फिल्टर आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट वाला, उसने लगाया नहीं हूं मैं, चलो अपने आप लग गई। और अब बता रहे कि पोस्ट भी नहीं हुई है वीडियो, पोस्ट हो तो गई है, पोस्ट हो गई है, नहीं नहीं वो हो गई थी पोस्ट, पोस्ट हो गई। अरे वो तो एक भाई इंस्टाग्राम में ग्लिच बहुत आ रहा है यार, आईफोन वालों के लिए ग्लिच बहुत आ रहा है। मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं आईफोन यूज करता हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, हरामी हो बेटा, समझ रहे हो ना, ऐसी बात नहीं है, पर बस समझ रहे हो कि मतलब आईफोन में ग्लिच है, सर आईफोन में ग्लिच आ रहा है, ये आईफोन में ही ग्लिच आता है इंस्टाग्राम का, बाकी मैंने एंड्रॉइड में नहीं देखा ऐसा ग्लिच आते हुए, आईफोन में ग्लिच आ रहा है। बताओ मैं इतना बड़ा फोन यूज़ कर रहा हूँ, मतलब तब भी आईफोन 12 भी यूज़ कर रहा हूँ यार, दिल पे मतलब है, दिल से बुरा लगता है, मैं जानता हूँ तुम जो देख रहे हो, पर मैं आईफोन 12 यूज़ कर रहा हूँ तो, लेकिन तब भी उसमें भी ग्लिच आ रहा है, तो क्या ही फायदा यार, मक्खी ना यार, क्या है यार। और स्टोरी लगाने में भैया 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि एक को सेलेक्ट करो तो पीछा सेलेक्ट हो जाता है, फिर उसको सेट करो, इसको सेट करो, जम लो ऐड पोस्ट नहीं करते हैं, पोस्ट किए उसे कुछ लिखना होता है तो लिखने वाला पीछे चला जाता है, पोस्ट वाला आगे आ जाता है, कभी पोस्ट वाला पीछे जाता है, तो लिखा हुआ पीछे चला जाता है, उसको सेलेक्ट करो तो वो आगे आता है, फिर इसको सेट करने में दिक्कत भैया, 10-15 मिनट देना पड़ेगा तुम्हें एक स्टोरी डालने में, कोई बात। बाकी मेरा मूड खराब है, ये मत सुनो, मेरा मूड खराब है, लेकिन मैं आप लोगों को खुशी रखना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना। We are here to entertain you. Enter, entertain you. समझे? तो पूरा क्लियर बोले, दिल बड़ा रखें और खुश रहें। जहाँ तो नहीं बोल दिया ना मैंने? नहीं भाई, एकदम करेक्ट बोला मेरे भाई। ठीक है। देखो ये देखो इंस्टाग्राम पे बिचारी का, ये यहाँ पे दिखा देता हूँ यार, इंस्टाग्राम बिचारी का बर्थडे आ रहा है ना, क्या नाम है इसकी बहन का, ज्योत का, तो पोस्ट कर रहा है प्री बर्थडे पोस्ट, शेयर नहीं करते हैं तो शेयर कर रहा है, 3-4 बार शेयर किया, एक बार और एक बार पहली बार टैग नहीं किया, दूसरी बार टैग किया तो क्लोज फ्रेंड में डल गया, उसको हटाया, फिर इस बार मैंने इस बार पोस्ट कर दिया, पर इस बार फिर से टैग नहीं किया, साला चूतिया, डिलीट कर, अभी अपलोड नहीं, अभी फिर डिलीट करना। अरे बाप रे, नेट खर्च हो रहा है मेरा, वाईफाई नहीं है, वाईफाई घर में, हम लोग पार्क में बैठे। वाओ, डोरेमोन आ गया। रहमत कहाँ है? रहमत तुम्हारा है बाबू, तुम्हारा है? नहीं, रहमत है। किसका है? रहमत ने खरीदा, अभी हमने नहीं खरीदा, ऊपर से जो ऊपर से दिया। डोरेमोन उड़ा के ले जाए यार, ये तुम्हें ले जाएगा, पहला आदमी जो मार्स में पहुंचा है, मार्स में बोल लो पहुंच चुका। अरे इससे बोले लो ना, क्या लेगा, एनीवेयर डोर, हाँ जानते हैं होता है। यहाँ पर चले स्मित सिंह, किसकी सवारी है? बैलून की सवारी। साले गैजेट निकाल, साले गैजेट निकालते हैं, पॉकेट भी नहीं बना हुआ साले, पॉकेट में तो तीनों है, पॉकेट में तो है ही नहीं, पॉकेट बना ही नहीं है, क्या यार उल्टा डोरेमोन, क्या हो यार तुम, पीछे इसका वो है ही नहीं मत्था। तो आगे पीछे दोनों डोरेमोन बना हुआ है साला, देख रहे हो, दिमाग से बनाते नहीं। तो गाइज हम लोग को लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये गधा है इसकी तरह, पर इसे लग रहा है ये घोड़ा है, तो आप लोग ध्यान से देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये घोड़ा है कि गधा है, ठीक है, तो बताना जरूर। पहले कहा था गधा है, गधा है, गधा है, देखा हमने कहा गधा है ना आंटी,
देखो आंटी ने तो साफ क्लियर कह दिया गधा है इसकी तरह हमेशा यही गधा नंबर वन है और ये कह रहा है मुझे लग रहा है मुझे इतना रिश्तेदारी है मैंने कहा था गधा मैंने कहा था इससे पहले देखा नहीं गधों को क्योंकि गधों को नहीं देखा था अरे मैंने पर उसकी तरह लगता है कितने साल के कितने साल के बता दो मुझे नहीं पता 19 साल का लड़का है इसने अभी तक गधे को नहीं देखा है अपने आप को शीशे में तो देखा है करीब 19 साल से लगातार लेकिन इसने अभी तक गधे को नहीं देखा है बताओ ऐसे से आदमी आ जाते हैं बता उसके बाद इसके बाद झगड़ा करते हैं कि गधा नहीं घोड़ा है जो बंदे ने गधे को नहीं देखा है तो कंपेयर कैसे कर सकता है है ना सही बात है ना मतलब बात 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 भाई हम बोलने आए थे कि रेड सॉस ले आओ शीनू देखो तुमसे समझदार है मैं ही लेने आई थी समझदार होना रहमत लॉक खोल के दो हमें लॉक लॉक खोल के दो ये खोल देगी तो ऐसे देगी तो काफी हम लोगों ने बोल बाल के हम लोगों ने बनवाया है पिज्जा जो की है सैंडविच पिज्जा ब्रेड पिज्जा में सैंडविच का मतलब रेडी हो गया यार शीनू यार प्लीज यार यार शीनू यार क्या करती हो यार प्रॉपर क्यों बोले भाई जो मेरे सब्सक्राइबर समझदार हैं जो समझदार नहीं है उनके लिए मुझे बोलना पड़ता है और कोई बात नहीं बोलने दिया करो यार कोई बात नहीं जानते घर में रहती तो भाई बोले ही चलो तो अभी हम लोग खाते हैं ब्रेड पिज्जा सॉस के साथ और बस कोल्ड ड्रिंक साथ में पी लेंगे भाई खाते हैं भूख बहुत तेज लग रही है सही बता रहा हूँ यार रात हो गई काफी और भूख बहुत तेज लग रही है अभी खाना भी खाना है खाना खा के बस एंड कर देंगे ब्लॉग खाएंगे ये भी खाएंगे ये तो खाएंगे ये तो स्नैक्स में आता है भाई जानते हो ना भाई कितने बज रहे हैं स्नैक्स का कितना भी हो रहा है बस ठीक है अभी हम लोग खाते हैं उसके बाद बंद करते हैं 8 बजे आपके स्नैक्स हो रहे हैं 8 बज रहा है पर कोई बात नहीं डिनर 10 बजे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं जानते हैं 10 बजे आम आदमी 10 ही बजे खाता है इतनी जल्दी कोई नहीं खाता तो पहले खा लेते हैं हाँ केचप खा ले तो गाइस रात के बज गए 10:30 और अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया खाना भी खाना है और आज का व्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं आई होप हम लोगों ने आज आप लोग को एंटरटेन किया हो बहुत मस्ती की मैंने आपको एंटरटेन करने की बहुत कोशिश की है आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना कमेंट करना शेयर करना सब्सक्राइब करना आगे मैं और ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और जब भी आप सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लेना जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आपसे मेरी रोज़ वीडियो आएंगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखे रहना यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।